गाइज, अगर आप सभी क्रेडिट कार्ड को बैंक और मनी ट्रांसफर करने के लिए सोचते रहते हैं या प्रति मंथ करते हैं, तभी आप सबके लिए बहुत बुरा अपडेट दिया जा रहा है क्रेडिट कार्ड के द्वारा। चाहे आप किसी भी बैंक का क्रेडिट कार्ड यूज करते हो, चाहे SBI का हो, ICICI का हो, या RBL का हो, या कोटक महिंद्रा बैंक का हो, या अदरवाइज कोई भी बैंक का क्रेडिट कार्ड अगर आप यूज करते हो और प्रति मंथ अगर आप चाहते रहते हो कि इस मंथ में 50,000 निकालूं फ्री में बैलेंस, 60,000 निकालूं फ्री में बैलेंस, 5,000 निकालूं फ्री में बैलेंस, तक आप इस तरह से फ्री 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 वाला अगर आपसे पीछे भागे हुए, तभी आपसे कार्ड जो है परमानेंटली ब्लॉक कर दिया जाएगा बैंक के द्वारा। पर्सनली एक एप्लीकेशन अगर आपसे यूज करते हो जो कि अभी मार्केट में सबसे पॉपुलर एप्लीकेशन में एक एप्लीकेशन है, वो है भारत NXT एप्लीकेशन। ये जो भारत NXT एप्लीकेशन है, इस एप्लीकेशन में होता क्या है, अगर आप क्रेडिट कार्ड टू बैंक और मनी ट्रांसफर करोगे तो बैलेंस फ्री में ट्रांसफर होता है, आपको एक भी पैसा चार्ज नहीं देना पड़ता है, क्योंकि उसमें एक कैशबैक मिलता है। उस कैशबैक तो जो हम लोग क्रेडिट कार्ड टू बैंक और मनी ट्रांसफर करने लेते हैं तो उस टाइम हम लोग क्या करते हैं, जो हम कैशबैक मिला है उस कैशबैक के थ्रू अपना क्रेडिट कार्ड टू बैंक और मनी ट्रांसफर कर लेते हैं, तो फ्री ऑफ कॉस्ट मनी ट्रांसफर हो जाता है। लेकिन यहाँ पे एक और ये क्वेश्चन खड़ा हो रहा है कि अगर आप क्रेडिट कार्ड टू बैंक और मनी ट्रांसफर कर रहे हो पर्सनली भारत NXT के थ्रू, तो जो है बिजनेस कैटेगरी में चला जा रहा है, क्योंकि ये जो क्रेडिट कार्ड है सिर्फ आपको पर्सनल यूज के लिए दिया गया है, ना कि बिजनेस पर्पस के लिए यूज करने के लिए। क्योंकि जब वहां पर रिपोर्ट निकलता है, जब आप क्रेडिट कार्ड टू बैंक और मनी ट्रांसफर करते हो तो वहां पर एक रिपोर्ट जनरेट होता है, जैसे कि अगर आप बिल कोई भी अमाउंट अगर आप ट्रांसफर किए हो क्रेडिट कार्ड टू बैंक और, तो वहां पे कभी कभी आपको जो अमाउंट को EMI में कन्वर्ट करना रहता है, तो वहां पर देखिएगा आपको जो बिजनेस पर्पस दिखाया जाता है, और बाद बाकी अदर एप्लीकेशन से निकालते हो तो वहां पर ऑनलाइन ट्रांसफर दिखाया जाता है, यानी वो पर्सनल के लिए दिखाया जाता है। लेकिन अगर आप पर्सनली भारत NXT के थ्रू अगर आप क्रेडिट कार्ड टू बैंक को मनी ट्रांसफर करोगे, तभी आपका क्रेडिट कार्ड जो है परमानेंटली ब्लॉक कर दिया जाएगा। अगर आप मंथली में एक बार करते हो तो वो तो चलेगा, लेकिन अगर मंथली में 5 से 6 बार 7 बार करते हो तो आपका कार्ड जो मुश्किल से 1 महीना चलेगा, नेक्स्ट मंथ जाते जाते आपका कार्ड जो है परमानेंटली ब्लॉक कर दिया जाएगा। बैंक के द्वारा टर्म एंड कंडीशन ये एक्सेप्ट करवाया गया था कि ये जो क्रेडिट कार्ड आपको पर्सनली दिया हूँ, पर्सनल यूज के लिए दिया हूँ, ना कि बिजनेस पर्पस के लिए। अगर आप बिजनेस पर्पस के लिए अगर क्रेडिट कार्ड को लेना चाहते हैं तो बिजनेस क्रेडिट कार्ड आता है, आप वो क्रेडिट कार्ड ले सकते हो, और फिर आप चाहते हो तो भारत NXT के थ्रू बैलेंस भी विड्रॉल कर सकते हो, अन्यथा आप बिजनेस पर्पस के लिए जो है क्रेडिट कार्ड अलग अलग तरीके के अलग अलग बैंक इशू करता है, तब किसी बैंक का बिजनेस क्रेडिट कार्ड ले सकते हो और फिर उस लिमिट को आप भी यूज कर सकते हो। हमारे सब्सक्राइबर जो भी हमारे व्यूवर आते हैं तो उनको मैं एक सूचित करना चाहता हूं कि अगर आपके पास बिजनेस क्रेडिट कार्ड नहीं है और कोई और क्रेडिट कार्ड अगर आप रखे हो तो उससे पर्सनली भारत NXT के थ्रू जो है बैलेंस विड्रॉल मत कीजिए। अगर बैलेंस विड्रॉल करेंगे तो फिर आप कार्ड जो है ब्लॉक हो जाएगा। हाँ, मंथली में आप एक बार कर सकते हो, क्योंकि अगर हमको बैंक के थ्रू अगर कभी कॉल भी आता है तो हम वहां बता सकते हैं कि गलती से हम बिजनेस ट्रांसफर कर लेंगे, नेक्स्ट टाइम हम याद रखेंगे, फिर हम इस तरह का ट्रांसफर नहीं करेंगे। तो इसके ऊपर थोड़ा आपको सावधानी बरतना पड़ेगा, नहीं तो आपका कार्ड जो है परमानेंटली ब्लॉक हो जाएगा, फिर आपको लाइफ में क्रेडिट कार्ड भी नहीं मिलेगा। तो इसके लिए आप छोटा छोटा जो गलती होता है उसके ऊपर ध्यान दीजिएगा, और फ्री ऑफ कॉस्ट मनी ट्रांसफर करने के पीछे मत भागिए, क्योंकि फ्री ऑफ कॉस्ट ट्रांसफर करने के पीछे भागते हैं हम लोग, और हम लोग अपने ऊपर जो है एक जो है बोझ खड़ा कर लेते हैं कि नेक्स्ट टाइम जो हम क्रेडिट कार्ड टू बैंक और मनी ट्रांसफर करने के लिए सोचेंगे तो फिर हमारा कार्ड जो उस टाइम ब्लॉक रहेगा, तो फिर कार्ड के थ्रू बैलेंस निकाल भी नहीं सकते हैं। हालांकि मार्केट में बहुत सारा एप्लीकेशन है, उस एप्लीकेशन के थ्रू अगर आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मनी ट्रांसफर होता है तो उस एप्लीकेशन से कर लीजिएगा, जैसे कि पेटीएम हो, मोबिक्विक हो, भारत NXT के छोड़ के फ्री रिचार्ज एप्लीकेशन है, सनाप एप्लीकेशन है, ये सब एप्लीकेशन के थ्रू आप क्रेडिट कार्ड टू बैंक और मनी ट्रांसफर, तो आपको किसी तरह का इशू नहीं होगा। बाद बाकी पर्सनली जो इशू होने वाला है वो होने वाला है भारत NXT एप्लीकेशन के ऊपर। तो आपसे समझदार बनिए, सतर्क रहिए, अपने क्रेडिट कार्ड को बचा के रखिए।